माने मेरे अमन जैन, आज हम बात करेंगे जेट एयरवेज के बारे में। और अगर आपने देखा ही होगा तो कंटिन्यूस डाउनफॉल इस स्टॉक के अंदर भी है और 154 के ऊपर आज की क्लोजिंग थी। 52 वीक का लो देखेंगे तो 126 का है और 52 वीक का हाई 651। तो आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से ये स्टॉक नीचे के लेवल पे आया है। काफ़ी दिक्कतें इनको फंड्स की आ रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ऑयल के रेट्स बढ़े हैं उसी से सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑयल कंपनीज को भी आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जेट एयरवेज को आई है। और 2018-19 में एकदम नीचे के लेवल पे चल रहा है और काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि इनके एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी ग्राउंड कर दिए गए, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और पेमेंट भी ये टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं पायलट्स को। तो फंड्स की शॉर्टेज सबसे ज़्यादा है और जो एतिहाद एयरवेज है उनके पास 24% की स्टेक है, लेकिन वो भी ज़्यादा कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं और फंड्स भी ये ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो फंड्स का शॉर्टेज इनको सबसे ज़्यादा है। और बीच में अगर आप देखेंगे तो ऑयल भी इनको मिल नहीं रहा था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ऑयल भी स्टॉप किया था, तो उससे भी काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि टाइम पे पेमेंट्स नहीं जा रहे हैं जेट एयरवेज के। और अब जो लेंडर्स है, बैंक्स है, इनके वो कह रहे हैं कि फंड्स जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस अभी तक कोई उसके अंदर भी कुछ हुआ नहीं है। तो अब इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस के बाद क्या होता है वो देखना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है और जेट एयरवेज को कंट्रोल करती है या फंड्स मुहैया करती है तो इनकी स्थिति सुधर सकती है, नहीं तो जब तक फंड्स की शॉर्टेज रहेगी इस स्टॉक के अंदर भी प्रेशर रहेगा और जो स्टॉक है 120 के लेवल तक भी आ सकता है। तो अगर आपको लेना भी है, ऐसा लगता है ये फिर ऊपर जाएगा, तो थोड़ा और वेट करिए, थोड़ा और नीचे का लेवल आ सकता है। 120-130 का एक लेवल है जो लोअर लेवल है, 126, उससे भी थोड़ा नीचे अगर आता है तो वो एक अच्छा लेवल हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जिस कंपनी के पास डेप्थ ज़्यादा है, फंड्स की शॉर्टेज है, सैलरी नहीं कर पा रहे हैं इस स्टॉक के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो अवॉइड ही करिएगा फ़िलहाल। आगे कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ही आप इस स्टॉक के अंदर हाथ डालिएगा, तो उसी टाइम ये स्टॉक जो है 10% 5% 15% के हिसाब से फिर चलेगा और फिर 200 के लेवल पे आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है फंड्स की काफ़ी शॉर्टेज है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने दीजिए, उसी के बाद जो है कोई डिसीजन इन स्टॉक्स के अंदर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है जो डाउनफॉल है। आरकॉम ने आपने देखा ही होगा कहाँ था और आज 2 रुपये के ऊपर चल रहा है। ऐसा ना हो कि स्थिति और ख़राब होती जाए जेट एयरवेज के अंदर और इसका भी जो हाल जो है 100 रुपये के नीचे ना चले जाए। तो मैं का जो लेवल है 110-120 का आप रखिए, वो लेवल आता है तो ठीक है। और न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, न्यूज़ कैसी आती है उस पर वॉच करिए। कंपनी अनाउंसमेंट करती है, BSE की साइट पे डेली आप चेक करते रहे हैं, कुछ न्यूज़ अच्छी आती है तो आप तुरंत इसे शॉर्ट टर्म के लिए लीजिए, 2-3 दिन के लिए, ताकि शॉर्ट टर्म में ही 10-20% का रिटर्न कमाया जा सके। तो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स के अंदर कमाने का मौका मिलता है, प्लस टाइम पे लेना ज़रूरी है। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।